भीषण ठंड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का एक नया तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि अब आप सर्दी के मौसम में जनरल टिकट पर भी स्लीपर क्लास में आराम से सफर कर सकते हैं। ना कोई आपको रोकने आएगा और ना ही कोई आपसे फाइन वसूलने आएगा। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। दरअसल देश भर के अधिकतर राज्यों में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का एक नया तरीका अपनाया है। इसके तहत सर्दी के मौसम में जनरल टिकट पर यात्री स्लीपर क्लास में सफर कर पाएंगे। और खास बात ये है कि इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क की मांग भी नहीं की जाएगी, यानी कि आप जनरल टिकट के दाम पर स्लीपर क्लास का आनंद ले सकते हैं। और रेलवे का ये नया फैसला गरीब और खास करके बुजुर्ग यात्रियों के लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। दरअसल सर्दी की वजह से ज्यादातर यात्री स्लीपर कोच के बजाय एसी कोच में सफर कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रेनों में एसी कोच भी बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद से कई ट्रेनों में तो एसी और स्लीपर श्रेणी के कोच की संख्या लगभग बराबर हो गई है। और सर्दी के आलम ये है कि स्लीपर कोच में 80% तक सीटें खाली रह रही है। तो वहीं इसके विपरीत जनरल टिकट से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे इस पर विचार कर रहा है कि स्लीपर कोच में यात्री कम रहने वाली ट्रेनों में स्लीपर को जनरल कोच का दर्जा दिया जाएगा। इसी के तहत अब ऐसे कोच के बाहर अनारक्षित लिखा होगा, लेकिन जनरल कोच में बदले गए इन कोचों में बीच की बर्थ खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने सभी मंडल के प्रशासन से कहा है कि जिन भी ट्रेनों के स्लीपर कोच को 80% से कम यात्री के साथ चल रहे हैं, उन सभी कोचों की डिटेल मांगी गई है। रेलवे उन सभी स्लीपर कोच को जनरल में बदलने का विचार कर रहा है, जिससे कि यात्रियों को सफर करने में कोई भी परेशानी ना हो। और देश के अधिकतर राज्यों में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का एक नया तरीका अपनाया है। इसके तहत जनरल टिकट पर यात्री स्लीपर क्लास के कोच में बिना अतिरिक्त शुल्क दिए सफर कर पाएंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी और साथ में जनरल कोच में भी लोग आराम से सफर कर पाएंगे। तो भीषण ठंड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का एक ये नया तरीका अपनाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।